दोस्तों शोमी की तरफ से आने वाला पोको F1 जिसे कहा गया था फ्लैगशिप किलर, अब लेकिन जो नेक्स्ट डिवाइस आएगा पोको F2 उसे कहा जाएगा यहाँ पर फ्लैगशिप किलर 2.0। तो इसका जो टीजर है ना वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है, ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। तो यहाँ पर जो रूमर्स लगाए जा रहे हैं इसका नाम यहाँ पर रेडमी K20 होगा, लेकिन ये इंडिया के अंदर बनकर आने वाला यहाँ पोको F2। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं जो पोको F1 था उसका यहाँ पर टैगलाइन ये थी कि फ्लैगशिप किलर, तो अब जो यहाँ पर न्यू टीजर लॉन्च हुआ है तो यहाँ पर बताया गया है फ्लैगशिप किलर 2.0 यानी कि पोको F2। तो इसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, साथ ही ये बताऊंगा कब तक लॉन्च होगा, क्या प्राइस होगा, क्या स्पेक्स होंगी। अगर दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं यहाँ पर पोको F2 के बारे में तो आपने आज की हमारी वीडियो शोर से लेके अंत तक जोर देखनी है, लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाली नोटिफिकेशन बेल का आइकन है उस पर क्लिक कर देना है। साथ ही अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अभी की अभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये न्यूज आपके बहुत ही काम की रहने वाली है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर पोको F2 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानती हैं कि यहाँ पर जो रूमर्स आ चुके हैं, कंफर्म न्यूज भी आ रही है बहुत सारी जगहों से, लीक्स भी यही कह रहे हैं कि जो रेडमी की तरफ से आने वाले दो डिवाइस रेडमी K20 और रेडमी K20 प्रो जिसके यहाँ पर टीजर लॉन्च हो चुके हैं इंडिया के अंदर भी। अब यहाँ पर जो रेडमी K20 या फिर रेडमी K20 प्रो में से ना एक जो डिवाइस होगा वो पोको F2 बनकर आने वाला इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टैगलाइन तो यही इशारा कर रही है। तो अगर बात की जाए इसकी स्पेक्स की तो यहाँ पर आपको 6.39 इंच की सुपर एमोलेड पैनल देखने मिलने वाली है, जो एक फुल व्यू डिस्प्ले होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। साथ ही अगर बात की यहाँ पर कैमरा सेंसर की तो यहाँ पर आपको बैक में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलने वाला है, जिसका जो प्राइमरी शूटर होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का, सेकंड होने वाला यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का, थर्ड रहने वाला 8 मेगापिक्सल का, और अगर बात की यहाँ पर सेल्फी कैमरा की तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो आएगा सिंगल कैमरा होगा, आएगा स्क्रीन फ्लैश और AI के साथ में। अगर बात की यहाँ पर बैटरी की तो बैटरी आपको 4000 mAh के मिलने वाली है, जो आएगी क्वालकॉम क्विक चार्ज 4+ के साथ में, यानी कि आपको यहाँ पर 27 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देने मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको USB Type-C 3.5mm ऑडियो जैक और IR ब्लास्टर तीनों ही चीज़ें मिलने वाली हैं। इसके बाद में अगर बात की यहाँ पर प्रोसेसर की तो सब प्रोसेसर के बारे में कंफर्म हो चुका है, इस टीजर में भी बताया गया है कि यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 देखने मिलने वाला है, जो आएगा एड्रीनो 618 GPU के साथ में। साथ ही ये जो प्रोसेसर है ये 5G को सपोर्ट करता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो पोको F2 आएगा तो या फिर रेडमी K20 आएगा या फिर रेडमी K20 आएगा तो उसके अंदर ये LTE X50 मॉडम देते हैं या नहीं देते हैं, तो ये सभी कुछ उसी पर निर्भर करेगा कि 5G आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बाद में अगर बात की यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पर आपको MIUI 10 मिलने वाला है, जो वेरियंट होगा एंड्रॉयड क्यू बीटा पर। अगर बात की यहाँ पर रैम वेरियंट्स की तो अभी तो केवल 3 ही रूमर्स लगाए जा रहे हैं रैम वेरियंट्स के, जो एक तो होगा 4GB, 6GB और 8GB रैम, तो ये अभी 3 ही यहाँ पर रूमर्स आए हैं रैम वेरियंट्स को लेकर। और अगर इंटरनल स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 64GB, 128GB और 256GB तक के इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल सकता है रेडमी K20 में। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर सिम स्लॉट की तो दोस्तों यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर इसके बाद में बात की यहाँ पर लॉन्च डेट की, दोस्तों अभी टीजर लॉन्च हुआ है तो इसमें अभी तक फिलहाल जो कन्फर्मेशन आई है कि ये जो डिवाइस है ये लॉन्च हो सकता है यहाँ पर इंडिया के अंदर मई महीने के दौरान ही। इसके बाद में अगर बात की जाए इसके प्राइस की, दोस्तों इसका जो प्राइस रहने वाला है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट होगा यहाँ पर लगभग 22 या फिर 23 हज़ार रुपये से। दोस्तों फिलहाल तो आज की वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पोको F2 या फिर रेडमी K20 के बारे में। अब दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस डिवाइस के बारे में तो आपने मुझे कमेंट में अवश्य बताना है। बस दोस्तों फिलहाल तो आज की वीडियो में ये थी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन डिवाइसों के बारे में। अगर आपको आज के हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कर शेयर कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। तो नमस्कार दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे।